सरकार कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रही है। राजेंद्र प्रसाद। बरेली। विद्युत निरीक्षण भवन बरेली में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मुख्य पदाधिकारियों के बीच चर्चा की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनावश्यक रूप से मजदूरों पर कुठारघातकरण का विरोध किया गया। शून्य प्रशून्य विद्युत मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद घिल्डियाल ने कहा। मैं राजेंद्र प्रसाद घिल्डियाल हूँ, भारतीय मजदूर संघ का प्रदेश मंत्री, उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ का प्रदेश अध्यक्ष और अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ का राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व है। अभी आज हम सब लोग कोविड-19 की वजह से बड़ी बैठक कोई आयोजित नहीं कर पा रहे हैं। मेरे प्रमुख पदाधिकारी मेरे साथ हैं, रवीन कुमार हमारे क्षेत्रीय सचिव हैं और हमारे मनोज सिंह सोमवंशी ये हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हैं और प्रदेश के मंत्री का भी दायित्व इनके पास है। तो हम उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ और भारतीय मजदूर संघ दोनों के प्रतिनिधि के तौर पर आज यहाँ पर ये चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि एक ओर जहाँ कोविड-19 की लड़ाई समस्त विश्व स्तर पर लड़ी जा रही है, हमारा देश भी उससे अछूता नहीं है। हमारे देश में भी वो तमाम संकट इस समय गहराए हुए हैं जो संपूर्ण विश्व में है। ऐसे में हमारी केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, हमारे मजदूरों को लेकर के बहुत गंभीर दिखाई नहीं पड़ती। एक तरफ मजदूर सड़कों पर अपनी आवाजाही करते हुए दिखता है, बेरोजगारी की हालत में है और परेशान स्थिति में सड़कों पर है। सड़कों पर उसके साथ दुर्घटनाएं भी हो रही हैं और साथ ही वो भूख और प्यास से भी पीड़ित होकर के अपने किसी न किसी तरह से अपने घरों को पहुँच रहा है। फिर भी हम केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार को इस बात के लिए बधाई भी देंगे कि वो काफ़ी हद तक कोशिश कर रहे हैं इस संबंध में, लेकिन मजदूर को बाकी का जो असंगठित और संगठित क्षेत्र का मजदूर है उसके साथ में ज़रूरत से ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही सख्ती के साथ में वर्तमान सरकार उनका उनके कुठाराघात कर रही है। जैसे कि अभी अभी सरकार ने ये तय करा कि केंद्रीय नेतृत्व ने तय करा, केंद्रीय नेतृत्व ने ये तय करा सरकार ने कि तमाम कर्मचारियों को जो श्रम कानूनों में जो एक प्रोटेक्शन मिलता है, जो उनको एक सुरक्षा प्राप्त होती है, वो सुरक्षा पर सेंधमारी हो रही है और ये कहा जा रहा है कि वो 1,000 दिनों के लिए वो सामाजिक वो जो श्रम संबंधी जो कानून है उनका पालन नहीं होगा। फिर खैर कल प्रदेश की सरकार ने इसको वापस लिया, ये हम इस पर खुशी जताते हैं, भारतीय मजदूर संघ इस पर प्रसन्नता व्यक्त करता है कि उन्होंने उस ये जो तुकलकी फरमान था इसको रोकने का काम किया है और कहा है कि जो नए उद्योग लगेंगे और नए जो लोग भर्ती होंगे उन उद्योगों में उन पर ये 1,000 दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ये तो पुरानी व्यवस्था है, उसी के आधार पर सरकार कर रही है, इसमें हमें अब कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन खामखाम में उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारे तमाम कर्मचारियों के 6 महत्वपूर्ण भत्ते जो उनको वेतन के साथ में प्राप्त होते थे उन पर रोक लगा दी। साथ ही हमारा DA आने वाले जून 2021 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया। साथ ही इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 को लाकर के सरकार इन दिनों में जबकि कोविड-19 की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे टाइम पर विद्युत अधिनियम 2020 लाने की क्या आवश्यकता थी, जिसके कारण से तमाम निजीकरण के द्वार खोले जा रहे हैं, तमाम उपभोक्ताओं के को बिल्कुल प्रताड़ित करने की स्थिति में लाया जा रहा है। यानी ये स्थिति होने वाली है, अगर ये 2020 अधिनियम अगर लागू हो गया तो यहाँ का गरीब किसान, यहाँ का गरीब उपभोक्ता बिल्कुल सड़क पर आ जाएगा, उसे या तो बिजली कटानी पड़ेगी या वो बिजली का उपभोग जिंदगी में कर नहीं पाएगा। यानी एक किसान अगर आज की तारीख में निजी नलकूप अगर वो लगाता है तो आज उसको वर्तमान में 1 महीने के अंदर कम से कम 5 से लेकर 8 हज़ार रुपये तक बिजली का बिल देना पड़ेगा। ऐसे में क्या खेती हो पाएगी, क्या हरित क्रांति का जो हम सपना देखते हैं क्या वो पूरा हो पाएगा। आम उपभोक्ता को कम से कम 10 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिलेगी, ऐसा भी इस निजीकरण के कारण से होने वाला है। तो हम 17 मई को पूरे प्रदेश में हमारे तमाम संघर्ष समिति के विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है। अभी हम लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम लोगों की पूरी मीटिंग हुई है प्रदेश की और उसमें ये निर्णय लिया है कि 17 मई को हम लोग इस पर कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं ताकि हमारी बिजली का निजीकरण ना हो
हमारे विद्युत अधिनियम 2020 का हम तमाम लोग विरोध कर रहे हैं, यहाँ प्रदेश ही नहीं कर रहा विरोध, संपूर्ण भारतवर्ष में इसका विरोध हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ों के कारण से हमारे कर्मचारियों में उहापोह की स्थिति है, कर्मचारी बहुत परेशान है। हमारा बिजली का कर्मचारी भी कोविड-19 में आज की तारीख में पूरे मनोयोग के साथ लड़ाई लड़ रहा है, वो वैसे ही लड़ाई लड़ रहा है जैसे कि हमारे पुलिस लड़ रही है, जैसे हमारे चिकित्सा कर्मी लड़ रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, जैसे आज की तारीख में सफाई कर्मचारी लड़ रहे हैं, ऐसे ही मेरा बिजली का कर्मचारी लड़ रहा है। लेकिन अभी तक उसको इस बात का प्रोटेक्शन नहीं मिला है कि अगर बिजली का कर्मचारी कहीं कोविड-19 में किसी प्रकार के वायरस से अफेक्टेड हो जाता है और उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसको भी प्रदेश सरकार 50 लाख रुपए के बीमे के अंदर उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए सरकार को। ये मांग हम लोगों ने प्रदेश में अपने मुख्यालय पर करी है और संघर्ष समिति भी इस बात को लेकर के संघर्षरत है। तो मेरा आज की तारीख में सब लोगों से यही कहना है कि हमारे तमाम बिजली के कर्मचारियों, तमाम मजदूर क्षेत्र के साथियों, भारतीय मजदूर संघ हमेशा उनके साथ था, है और रहेगा। और तमाम जो भी विषमताएँ, जो भी चीज़ें कर्मचारी के अहित में हो रही, उनके विरुद्ध आवाज़ उठाता था, उठाता है और उठाता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। एनजी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।